हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता और आज हमारा वेंसडे है। एंड जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम अपने क्लासेस साथ कंटिन्यू करेंगे, तो आज वेंसडे है एंड आज हम करेंगे अपना माइक्रो का सेकेंड टॉपिक और वो है इंट्रोडक्शन। जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन रहेगा डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का, क्या क्या रोल रहा है माइक्रो में, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले ये कुछ साइंटिस्ट्स हैं और उनके कंट्रीब्यूशंस को मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। बाकी की चीजें भी आपको मिल जाएंगी, उनके नोट्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो एंड किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम आप मिस ना कर दो। तो सबसे पहले हमारे पास है जो वैरो एंड कॉलोमेला है, इन्होंने यही पोस्टुलेट किया था कि जो हमारे पास जो डिजीज कॉज करते हैं वो इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं और उनको हम बोलते हैं एनिमेलिया माइन्यूटा, ठीक है? ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको भी जाके एक बार चेक करना, उसमें बिल्कुल सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिकास्टोरियस ऑफ वेरोना। इन्होंने जो फ्रिकोस्टेरियस जो थे उन्होंने हमें ये बताया था कि जो भी हमारे पास पॉसिबल कॉज ऑफ इन्फेक्शन जो होता है वो होता है कॉन्टाजियम वाइपर, ठीक है? ये है हमारे पास पॉसिबल कॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन। वॉन्स प्लांसिस जो है उन्होंने यही कहा था कि ईच डिजीज इज कॉज बाय सेपरेट एजेंट, मतलब कि कोई भी डिजीज है हर डिजीज के लिए कोई एक अलग एजेंट होता है उसका कॉजेटिव, ठीक है? कोई एक ही एजेंट सारी डिजीजेस कॉज नहीं करता है, हर एक डिजीज के लिए कोई पर्टिकुलर एजेंट ही उसका कॉजेटिव एजेंट हो। नेक्स्ट है एंटनी वन लेवेनहुक, ये हमने +1 +2 में भी पढ़ा हुआ है। तो इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था एंड उसके बाद जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने लेवेनहुक की जो डिस्कवरीज थी उनको भी कंफर्मेशन प्रोवाइड की थी। अगस्टिनो बेसी, जो अगस्टिनो बेसी है वो उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी कोई भी पैथोजन का जो रोल होता है माइक्रो में, उसके बारे में जो स्टडी की थी वो अगस्टिनो बेसी ने, सबसे पहले अगस्टिनो बेसी ने इसके बारे में स्टडी की थी। उन्होंने ये भी बताया था कि जो मस्कार्डिन डिजीज होता है वो फंगस कॉज करती है, ठीक है? नेक्स्ट इज इग्नास मेलविस, तो उन्होंने बताया था कि पेरिफेरल सेप्सिस ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड हैंड्स। पेरिफेरल सेप्सिस जो होता है वो कंटामिनेटेड हैंड्स से कॉज होता है और मेडिकल प्रोफेशनल्स में होता है, तभी तो हमें लैब में हाइजीन मेंटेन करने पड़ती है ताकि हम कोई इन्फेक्शन कॉज ना हो और हम किसी को भी कोई इन्फेक्शन ना करें और खुद भी हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस चीज को हम ध्यान में रखते हैं और हमें अपने हैंड्स को हर कुछ भी, अगर आप कुछ भी काम लैब में कर रहे हो तो उस काम करने के बाद आपको लैब में अपने हैंड वॉश करने होते हैं। नेक्स्ट इज निधम, निधम ने कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट फ्रॉम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है? तो निधम ने क्या बोला कि जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस बात में जो स्प्लैंजनी थे उन्होंने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो प्रमोट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है? तो मतलब दोनों ने सेम ही थ्योरीज दी थी। तो ये हमारे कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो आपको पता होने चाहिए, आप सर्वाइवर में भी पूछ सकते हैं और आपको एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बट बाकी हमारे पास जो मेन आते हैं वो अब हम स्टडी कर लेते हैं कि हाँ, जिनके बारे में हमसे पेपर में पूछा जाता है और पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अब हम उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे लुईस पाश्चर के बारे में एंड लुईस पाश्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है? और अभी हम तीन चार साइंटिस्ट के बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे और आपको पता होना चाहिए कि हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ केमोथेरेपी, हु इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, है ना, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो ये सारे आपको चार साइंटिस्ट है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले हम लुईस पाश्चर के बारे में देख लेते हैं कि लुईस पाश्चर ने क्या क्या डिस्कवरीज की थी। सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जितने भी बैक्टीरिया की टेक्निक्स है हमारे पास वो हमें लुईस पाश्चर ने दी थी। और सेकेंड जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है उसको इन्होंने डिसअप्रूव किया था, ठीक है? और इन्होंने कैसे डिसअप्रूव किया, कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, स्वैन नेक्ट फ्लास्क, स्वैन नेक्ट फ्लास्क में एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था और उसके थ्रू उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो डिसअप्रूव किया था, ठीक है? थर्ड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, जितने भी हमारे पास स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स है हमारे पास बैक्टीरिया में जो भी फॉलो करी जाती हैं वो हमारे पास लुईस पाश्चर ने दी थी। जितना भी हमारे पास ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे पास हॉट एयर ओवन है, स्टीम स्टेरिलाइजर है, तो इनका जो भी प्रिंसिपल्स थे वो हमें दिए थे लुईस पाश्चर ने। उसके बाद एंथ्रैक्स, चिकन कॉलरा एंड हाइड्रोफोबिया, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो स्टडी की थी वो भी हमारे पास लुईस पाश्चर ने ही की थी। कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज वॉज टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, तो ये बात हमें लुईस पाश्चर ने बताई थी। पॉजिटिव एजेंट होता है रेबीज का वो है इतना स्मॉल है कि हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है? सो दैट विच मीन्स दैट इट वॉज टू स्मॉल टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज उन्होंने लाइव वैक्सीन्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ लाइव वैक्सीन्स किया था हमारे पास लुईस पाश्चर ने। उसके बाद जब उन्होंने वैक्सीन्स के ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने
इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा स्टडीज करी और वेरियस टेक्निक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी भी उन्होंने हमें दी। रेबीज वैक्सीन, अब इन्होंने रेबीज वैक्सीन की प्रिपरेशन की थी एंड हाउ वाज रेबीज वैक्सीन प्रिपेयर्ड। पीसेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ऑफ रैबिट्स वर ड्राइड और जो रैबिट्स थे उनमें फिक्स्ड वायरस उनके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और उनके स्पाइनल कॉर्ड को जब ड्राई किया गया तो उससे हमारे पास वैक्सीन बनी थी, रेबीज वैक्सीन बनी थी हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीब्यूशन रही थी हमारे पास लुईस पाश्चर की। आप इनके बारे में एक बार डिटेल स्टडी भी करना, आपकी सीपी वेजा में दी हुई है, आप वहां से अच्छे से पढ़ना, आपको और डिटेल में समझ आएगा। तो ये हमारे पास कुछ मेन बातें थी जो लुईस पाश्चर दी। नेक्स्ट है हमारे पास जोसेफ लिस्टर। ठीक है, एंड जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस्ड एंटीसेप्टिक टेक्निक्स इन सर्जरी। सर्जरी में जो एंटीसेप्टिक टेक्निक्स होती हैं जो हम सर्जरी के दौरान फॉलो करते हैं उन सब का जो भी इंट्रोडक्शन था वो जोसेफ लिस्टर ने किया। सेकंड, ड्रॉप इन मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ड्यू टू सर्जिकल सेप्सिस। जब इन्होंने सर्जिकल सेप्सिस में एंटीसेप्टिक टेक्निक्स की जब इसे इंट्रोडक्शन किया तो जो मॉर्टेलिटी रेट था वो भी हमारा डिक्रीज होने लग गया। एंड कैसे वो डिक्रीज हुआ? बिकॉज उसमें हमारे पास क्या हुआ, कार्बोलिक एसिड का यूज आ गया। ठीक है, कार्बोलिक एसिड के थ्रू हमारे पास इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम हो गया जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया सर्जरी के टाइम पे। कार्बोलिक एसिड का अब हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, एंड कार्बोलिक एसिड इज यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्लीनिंग द वुंड्स। ठीक है, एंड जो ये एक्सपेरिमेंट है जो जोसेफ लिस्टर ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये फील्ड्स में खेतों में एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पहले। और जो उस टाइम पे जो भी हमारे पास ग्रेन्स आ रहे थे, जब कोई एनिमल उन ग्रेन्स को खा रहा था तो उनके ऊपर कोई हार्म या कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा था उस चीज को लेके, तो उन्होंने उस बात से आइडिया लिया कि अगर हम ये चीज सर्जरी में यूज करें, ये जिस इंसान की सर्जरी हुई है उसको भी कोई हार्म या कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये टेक्निक सर्जरी में आई तो लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट था वो कम हो गया क्योंकि हमारे पास स्टेरिलाइजेशन मेथड आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स को भी स्टेरिलाइजेशन शुरू हो गया एंड जो वुंड्स थे उनका भी स्टेरिलाइजेशन शुरू हो गया और हमारे पास मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो ये था इनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास सर्जरी में। अब हम बात कर लेते हैं पॉल एलरिच के बारे में। ठीक है, पॉल एलरिच हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट थे एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी। ठीक है, तो जैसे ही फादर ऑफ कीमोथेरेपी है मतलब इन्होंने कुछ हमारे पास केमिकल्स का कुछ इंट्रोडक्शन किया एंड केमिकल्स का यूज बताया थेरेपेटिक पर्पसेस के लिए। तो सबसे पहले इसमें है कि अप्लाइड स्टेन्स टू सेल्स एंड टिश्यूज। तो इन्होंने स्टेनिंग मेथड्स दिए, स्टेन आपको पता है केमिकल्स होते हैं, कुछ स्टेनिंग मेथड्स दिए हमें कि हमें सेल्स और टिश्यूज को कैसे स्टेन करना है। तो इन्होंने हमारे पास स्टेन्स को अप्लाई किया और उनके रिजल्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। नेक्स्ट इज एसिड फास्ट नेचर ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई। तो इन्होंने हमें ये बताया कि जो ट्यूबरकल बेसिलाई होते हैं उनका एसिड फास्ट नेचर होता है। ठीक है, अब एसिड फास्टनेस का क्या मतलब है? एसिड फास्ट बेसिलाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसमें हाई मॉलिकॉलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्स प्रेजेंट होती है, हायर फैटी एसिड्स होते हैं कि जो सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होती हैं। तो वो हुआ हमारे पास हायर फैटी एसिड। लेकिन जो एसिड फास्टनेस होता है वो क्या होता है? एसिड फास्टनेस जो है वो प्रॉपर्टी होती है उन ऑर्गेनिजम्स की जब हम उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड यानी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी उनको रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो डिकलराइज नहीं करते हैं स्टेन को। ठीक है, तो एसिड फास्टनेस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिजम्स की जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं, वैक्स माइकोलिक एसिड हायर फैटी एसिड्स ये सारी लेयर्स अगर उनमें हैं तो वो क्या करेंगे जब उनको डिकलराइज करें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से तो वो डिकलराइज नहीं होंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसिड फास्टनेस। ठीक है, ये आपको भी आगे भी आएगा जब आप स्टेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको स्टेन्स में भी ये टॉपिक आएगा, ये मैंने आपको भी ऐसे ही बता दिया एक्स्ट्रा, लेकिन फिलहाल ये था कि हाँ उन्होंने एसिड फास्ट नेचर बताया था ट्यूबरकल बेसिलाई का। नेक्स्ट इज साइड चेन थ्योरी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो साइड चेन थ्योरी होती है वो भी हमारे पास किसने दी है? पॉल एलरिच ने दी है। नेक्स्ट इज सिल्वर्सन। इंट्रोड्यूस किया सिल्वर्सन को एंड सिल्वर्सन को हम बोलते हैं मैजिकल बुलेट। और इसको मैजिकल बुलेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या करता है, इट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग स्पाइरोकीट्स ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस स्पाइरोकीट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको हम मैजिकल बुलेट बोलते हैं। एंड मैजिकल बुलेट किसको बोला हमने? सिल्वर्सन को। नेक्स्ट इज नियो सिल्वर्सन। अब उसके बाद सिल्वर्सन के बाद उन्होंने नियो सिल्वर्सन को डिस्कवर किया जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ कीमोथेरेपी। तो हमारे पास नियो सिल्वर्सन, जैसे ही हमारे पास नियो सिल्वर्सन इंट्रोड्यूस हुआ वैसे ही हमारे पास कीमोथेरेपी का जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टॉक्सिन एंड एंटीटॉक्सिन। और उन्होंने हमारे पास मेथड्स दिए हम ताकि हम टॉक्सिन्स और एंटीटॉक्सिन्स को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सकें। तो उसके मेथड्स भी हमें किसने दिए? पॉल एलरिच ने दिए। अब टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन क्या है?
टॉक्सिन हमारे पास मतलब टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन दोनों हमारे पास जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो टॉक्सिन होता है वो प्रोटीन हो सकता है, और जो एंटीटॉक्सिन होता है वो आपके पास प्रोटीन भी हो सकता है या फिर नॉन कोडिंग आरएनएज हो सकते हैं। तो ये सारी हमारे पास जो थी कंट्रीब्यूशंस थी पॉल एरलिच की, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी, और ये सारे उसने हमारे पास इंट्रोडक्शंस दिए। एंड अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉबर्ट कोच की। तो हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट कोच की, एंड ये हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो जो रॉबर्ट कोच है ही इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है। इनका बहुत ज्यादा रोल रहा है हमारे पास बैक्टीरियो में। सबसे पहले इन्होंने दिया मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग सॉलिड मीडिया इन प्योर कल्चर्स। तो अगर हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन है और हमने उस बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है, तो उस बैक्टीरिया को आइसोलेशन की जो टेक्निक्स थी प्योर कल्चर में एंड सॉलिड मीडिया में, वो दिया था हमें रॉबर्ट कोच ने, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग के भी उन्होंने हमारे पास टेक्निक्स दी कि हाँ कैसे कैसे हमें स्टेनिंग करनी है और कौन से बैक्टीरिया के लिए, कौन से ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सी स्टेनिंग होनी चाहिए, तो वो स्टेनिंग टेक्निक्स भी हमें रॉबर्ट कोच ने दी। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस, ट्यूबरकल बैसिलस, कॉलरा विब्रो। तो इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी इन्होंने हमारे पास डिस्कवरीज करी। अब जो रॉबर्ट कोच है इनकी हमारे पास दो मेन चीजें आती हैं, एक इनके होते हैं पोस्टुलेट्स, ठीक है, और एक होता है कोट्स फिनोमिना। और ये दोनों चीजें हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, अब हम पोस्टुलेट्स और फिनोमिना पढ़ लेते हैं कि उनके पोस्टुलेट्स क्या थे और उनका फिनोमिना क्या था। तो हम पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हाँ रॉबर्ट ने कौन कौन से हमारे पास जो है कोच के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द रीजन, मैं पहले सारे पढ़ देती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द रीजन, पॉसिबल टू आइसोलेट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रीजन इन प्योर कल्चर, प्रोड्यूस सिमिलर डिजीज इन लैब एनिमल एंड री आइसोलेट ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम रीजन इन द लैब एनिमल, एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शुड बी डेमोन्स्ट्रेबल इन द सीरम ऑफ द पेशेंट। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज समझाती हूँ। मान लो कि आपको यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई लीजन है एंड हमने यहाँ से जो भी ऑर्गेनिज्म है हमने उसकी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बात की जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉन्स्टेंटली लीजन पे आपके होना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके लीजन पे होगा तभी हम उसको आइसोलेट कर पाएंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म है जब उसको प्योर कल्चर में ग्रो करेंगे तो उसकी वहां पे ग्रोथ आनी चाहिए, ये सेकेंड पॉस्टुलेट है उसका। थर्ड, हम उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को किसी लैब एनिमल में अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस लैब एनिमल में वही सिमिलर डिजीज होनी चाहिए जो हमें हो रही है, ठीक है। जो डिजीज हमें हो रही है वही डिजीज सेम टू सेम जो है सिमिलर जो डिजीज जो है वो लैब एनिमल में भी होनी चाहिए। और फोर्थ ये आता है कि लैब एनिमल से जब हम उसको री आइसोलेट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को तो वो फिर से प्योर कल्चर में ग्रो होना चाहिए, ठीक है। एंड फिफ्थ ये है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो हमारे सीरम में भी प्रेजेंट होनी चाहिए। सो यही था कि ये हमारे पास है कोच पोस्टुलेट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। पहला यही है कि ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली वहां से एसोसिएट होना चाहिए। अगर वो वहां पे कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड है तो हम उसको प्योर कल्चर में आइसोलेट कर सके। अगर हम उसको आइसोलेट कर दिया तो उस आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम लैब एनिमल में डालेंगे, लैब एनिमल में भी सेम डिजीज प्रोड्यूस होनी चाहिए। अब जब हम उसको लैब एनिमल से री आइसोलेट कर रहे हैं तो वो फिर से वही ग्रोथ शो करे प्योर कल्चर में, एंड स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए हमारे सीरम में, ठीक है। एंड इसमें एक एक्सेप्शन आती है, जो लैप्रा बैसिलस होता है वो कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि हम लैप्रा बैसिलस जो है उसको हम प्योर कल्चर में ग्रो कर ही नहीं सकते, इसलिए ये कोच पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करता है, ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। हम बात करते हैं कोच फिनोमिना की, ठीक है। कोच फिनोमिना हमारे पास मतलब थोड़ा सा ये छोटा सा है, ये समझने वाली बात है। कोच फिनोमिना मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से क्या मतलब है, देखो गिनिया पिग्स थे कोच फिनोमिना में, बस यही है कि गिनिया पिग्स थे हमारे पास वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, किससे, ट्यूबरकल बैसिलस डिजीज उनको ऑलरेडी हो रखी थी। और जब हमने इन इन्फेक्टेड गिनिया पिग्स में इंजेक्ट किया ट्यूबरकल बैसिलस को, ठीक है, या फिर उसके प्रोटीन को, ठीक है, गिनिया पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ट्यूबरकल बैसिलस से, हमने उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया ट्यूबरकल बैसिलस या फिर उसके प्रोटीन को, तो उन्होंने एक एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने शो किया एग्जैजरेटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स को ही हमने बोला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। मतलब गिनिया पिग्स में ऑलरेडी बीमारी थी, हमने उसी बीमारी को उनके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया, वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेगा तो उसे क्या हो जाएगा, उनको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी, एंड हाइपर सेंसिटिविटी को ही हम बोलते हैं कोच फिनोमिना।
तो ये था आज का टॉपिक और ये अब कंप्लीट हो चुका है। अननसाइज साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हाँ किस साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड जो ये है कोच पॉस्टुलेट्स, ये रॉबर्ट कोच है, लुइस पाश्चर है, जोसेफ लिस्टर है, पॉल एलेच है। इन चारों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इनमें से एक भी पेपर में आ सकता है और इस बार हमें भी पेपर में आया था लुइस पाश्चर के बारे में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने उसी हिसाब से अपनी बुक्स को पढ़ो, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बुक्स को पढ़ो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, नोट्स चेकआउट करो, बुक्स को पढ़ो, नेट पे सर्च करो और अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, अच्छे से लिख पेपर पे लिख पाओ। सो बस यही था आज की वीडियो में एंड हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है एंड हम कल करेंगे हम अपना बायोकेमिस्ट्री। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कोई भी डाउट हो तब मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, या कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। मैं भी उस चीज के बारे में देखूंगी और आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करूंगी। सो यस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।